पीछे से स्प्रिंग्स और कटवाने पड़ने, गाड़ी हो गई है ड्रॉप, दिखा दूँ फिर, एक दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, कल ऑटो शो, आज इंशाल्लाह गाड़ी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी जितनी भी मॉडिफिकेशन थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी रह गई है तो ड्रॉप करने वाली रह गई है। तो आज मैं अपनी वर्कशॉप, अपना गिराज जो है उसके अंदर मौजूद हूँ और मैं गाड़ी खुद ही ड्रॉप करने लगा। इजी इसलिए है क्योंकि मेरे पास पेयर्स पड़े हुए हैं, स्प्रिंग्स, रेयर वाले स्प्रिंग्स चेंज होने हैं, फ्रंट वाले भी स्प्रिंग चेंज होने थे पर मेरे पास शॉक्स के पेयर पड़े हुए हैं फ्रंट वाले, तो जिस वजह से मैं खुद कर रहा हूँ। बाहर से भी करवा सकता हूँ, इतनी ज़्यादा कोई लेबर नहीं लेते, पर क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, इन चीज़ों को बड़ा इन्जॉय करता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ मैं खुद करूँगा। तो जल्दी से गाड़ी को करती है ड्रॉप। गाड़ी वॉश करने लगा था तो पानी नहीं आ रहा और पानी आना है शाम को। पहले मैंने सोचा जाके मैं वॉश करवा लूँ, फिर मैंने कहा वीडियो बहुत लेट हो जानी है, ऑलरेडी दोपहर हो रही है और सर्दियाँ दिन आपको पता जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप करने का। गाड़ी मैं आपको एक दफ़ा अगर दिखा दूं तो गाड़ी गंदी हुई हुई है, मानता हूँ, मैं देख सकते हैं आप, गंदी काफ़ी हुई हुई है। बाकी अगर मैं आपको अपने गैराज का टूर करवाऊं, वहाँ गाड़ी खड़ी होती है और ये वाला एरिया जो है मैंने गाड़ी के लिए रखा हुआ है कि गाड़ी को खोलना है, जो भी काम करना है। ये वॉशर किट पड़ी है गाड़ी वॉश करने के लिए, एक जैक मैंने इधर रख लिया क्योंकि गाड़ी को उठाना है ड्रॉप करने के लिए। इधर बात करें तो ये स्पेयर व्हील पड़ा हुआ है, वो मार्गला का मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। उसके अलावा ये भी सारा सामान गाड़ी का, शॉक्स हैं, सारी चीज़ें गाड़ी की हैं। कुछ मैंने चीज़ें इसमें से समेटनी, कुछ कुछ चीज़ें मैंने बाहर रखना चाह रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं संभालना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी करेंगे। एग्जॉस्ट भी गाड़ी का बाहर ही पड़ा हुआ है, वो भी अंदर रखना है, वो स्टॉक है। जितने मेरे पास टूल्स हैं वो ये हैं, स्प्रिंग्स आपके सामने पड़े हैं, नंबर प्लेट पड़ी है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, दो हैं। तो बिना वक्त जाए कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे अभी चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर लें, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह कल ऑटो शो पर भी जाके वीडियो बनाएंगे जितनी पॉसिबल हो सका, क्योंकि वहाँ वीडियो कम बनती है और बस इंजॉय ज़्यादा होता है। बाकी देखते हैं आप कल जाके कि कल क्या सीन होता है, तो जल्दी से गाड़ी को ड्रॉप करते हैं। टायर्स मैंने गाड़ी के खोल लिए हैं, टायर्स उतारने के बाद ये दो पेच खोलने हैं शॉक के, और ऊपर से बोनट ओपन करने के बाद ये और ये खोलने हैं तो शॉक डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू वाला शॉक जो है इंस्टॉल कर लूँगा जिसके अंदर लो स्प्रिंग है, तो गाड़ी हो गई ड्रॉप। देखने में आपको आसान लग रहा है, मेरे लिए तो ठीक ही है, बस कोई इतना मुश्किल नहीं है, टाइम थोड़ा सा लगता है बस, आप लगा लें दोनों चेंज करते हुए, फ्रंट वाले करते हुए आधा घंटा लग जाएगा, रेयर वाले करते हुए 15 मिनट लग जाएंगे, इतना टाइम टोटल लगेगा। Many minutes later. कुछ इस तरह की फिटमेंट हुई है फ्रंट साइड से, डेड ड्रॉप मैं चाह रहा था करना पर डेड नहीं मैं कर सका क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इससे मज़ीद मैं नीचे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि स्पीड ब्रेकर से भी तो गुजरना है ना, स्पीड ब्रेकर भी कोई आ ही जाता है तो ज़रूर है फिर कि ऑटो शो पर जाने से पहले कोई किट में गाड़ी करवा लूँ, तो इसलिए आप ये देख सकते हो ये फिटमेंट बनी है, मजा नहीं आ रहा। अभी पीछे से नहीं की गाड़ी, नीचे पीछे से करूँगा तो फिर गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। Many minutes later. गाड़ी मैंने पीछे से भी ड्रॉप कर ली है पर पीछे से उतनी ज़्यादा नहीं हुई, इस वजह से मुझे अब इसके पीछे से स्प्रिंग कटवाने पड़ने हैं दोबारा, ये ओरिजिनल वाले निकाल लें, पीछे से स्प्रिंग्स और कटवाने पड़ने हैं जिस वजह से गाड़ी और ड्रॉप हो। कोई नहीं, करते हैं, यही काम है हमें बस। रिम देखें कितने उठ रहे हैं, ब्लैक कलर के ड्रॉप हुई गाड़ी के। The next day. गाड़ी हो गई है ड्रॉप, अगला दिन हो गया स्टार्ट, रात को बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा और अभी मैं गाड़ी को पॉलिश वगैरह करने लगा था और अभी फिर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए इसको मैं दोबारा शेड के नीचे ही करूँगा, जब बारिश रुकती है तो फिर इंशाल्लाह इसको करते हैं पॉलिश, इसके टायर पॉलिश वगैरह। बाकी अगर फिटमेंट की बात आए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देख के ज़रूर बताना है कि गाड़ी कैसी लगी है, ड्रॉप किस हद तक हुई है और आपको फिटमेंट कैसी लगी है, दिखा दूँ फिर आप अंदाज़ा आगे से लगा सकते हैं, पर ये कुछ भी नहीं है, आपको साइड से मैं एक दफ़ा दिखाता हूँ।
दिखा दूँ फिर। एक दो, ये आप देख सकते हैं किस तरह फिटमेंट हुई है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, जब मैं रात को आपको एक शॉट दिखाया था, पिछला आप जो शॉट देख रहे थे उसके अंदर गाड़ी पीछे से उनकी थी, मैं स्प्रिंग दोबारा कटवाए भी हैं पर गाड़ी ने वो मज़ा नहीं दिया, इसलिए मैंने पीछे से स्प्रिंग निकाल ही दी है। नॉट रिकमेंडेड, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इस तरह करें। ये मैंने अपने बिहाफ के ऊपर रिस्क लेते हुए ये चीज़ की है कि मैंने पीछे से स्प्रिंग्स ही निकाल दी हैं, पीछे से गाड़ी फुल स्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ शॉक के ऊपर ही है। तो जिस वजह से गाड़ी के अंदर बम्प तो बहुत ज़्यादा है पर गाड़ी की लुक इसी तरह निकलनी थी, क्योंकि ये सेडान कार तो है नहीं, हैचबैक है, तो हैचबैक के अंदर आपको फिर इस तरह ही करना पड़ता है। अदरवाइज़ गाड़ी जितना मर्जी मैं स्प्रिंग लो कर लेता, गाड़ी पीछे से थोड़ी सारी ऊपर ही रहनी थी। बाकी अगर मैं आपको करीब से फिटमेंट दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, मज़ीद इसे मैं कर नहीं सकता, नहीं तो मेरा मूड था कि ये इसको टच करे हल्का हल्का, और अभी भी कई दफ़ा कट्स वगैरह पर थोड़ी एहतियात से जाना पड़ता है, कट्स वगैरह पर थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, फेंडर को लगता है टायर पर। बाकी फिटिंग जो है वो बड़ी मज़े की हुई है। और अगर पिछले टायर की बात की जाए तो ये देख सकते हैं, माशाल्लाह, एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर आपने बोल देना, कमाल की गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी एक जैसी लग रही है, ज़रा भी नहीं लग रहा कि आगे से ऊंची है या पीछे से नीची है, देख सकते हैं आप इस तरह। इधर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो के अंदर नहीं बताई, मैंने वीडियो के अंदर ये चीज़ तो बताई है कि मैंने रेयर से स्प्रिंग गाड़ी के निकाल दी है, फुल स्टैटिक कर दिया है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने फ्रंट वाले जो स्प्रिंग्स हैं जो आपने पिछला क्लिप कभी देखा है उसके अंदर जो फिटमेंट थी वो नहीं थी ठीक, वो गाड़ी की हाइट काफ़ी ऊंची लग रही थी मुझे। फ्रंट से भी जो स्प्रिंग्स हैं वो मैंने थोड़े थोड़े कटवाए थे ताकि गाड़ी की फिटमेंट कमाल की बन सके और गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रॉप हो सके। इस साइड से भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गाड़ी नहायत ही खूबसूरत लग रही है। अभी इसके ऊपर बस पॉलिश वगैरह अप्लाई करनी है और हुड रेडी होना है। अभी मैं आपको अपना हुलिया नहीं दिखा सकता, सुबह सुबह का टाइम है, तो बस अभी हुड रेडी होना है, फिर ऑटो शो के लिए निकलते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी इन्जॉय की होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।